हमारे सभी मित्रगणों का स्वागत है इस चैनल पर। सगुण विचार ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो मित्रगणों को सगुण के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। हमारे दर्शकगण सुने, देखें और अपना भी कार्य कर सकते हैं। तो हम भाग एक ज्योतिष में सगुण विचार का भाग एक प्रस्तुत कर दिए हैं। अब दूसरा बताना चाहते हैं। दूसरा भागतु के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता को 1 से 108 के बीच में संख्या बोलने के लिए उत्तरदाता कहे, यानी ज्योतिष जो है उनको 1 से 108 के बीच में प्रश्नकर्ता को बोलने को कहें, और उसमें से जो संख्या बोलते हैं उनमें से 12 से भाग दे दिया जाए। जो भागफल शेष आता है उसी के अनुसार उसका कार्य बताया जाता है। यानी प्रश्नकर्ता 108 के बीच में कोई संख्या बोलता है तो 12 से भाग दे दे और शेष जो आता है उसी के अनुसार उसका कार्य सगुण किया जाता है। कौन कार्य होगा, कौन कार्य नहीं होगा, कौन संभावना है, कौन विलम्ब से होगा, यह बताया जाता है। तो मैं 100-108 के बीच में जो जो संख्या यानी शेषफल आता है वह मैं बता देता हूँ और उसका कार्यफल बता देता हूँ। हमारे दर्शकगण ध्यानपूर्वक सुने, जो मेरे पास जो पुस्तक है उसके अनुसार बताता हूँ। तो सुने, 1, 1, 7 और 9 1 और 7 और 9 अगर भागफल शेष आता है तो कार्य विलम्ब से होगा, यानी कार्य जो है से विलम्ब से होगा, होगा लेकिन देर से होगा। यदि भागफल शेष 3, 6 और 0 आता है, भागफल यानी 3, 6 और 0 आता है, शून्य आता है, तो कार्य सिद्ध होगा, बहुत जल्दी होगा कार्य। और यदि भागफल 11 आता है तो कार्य तुरंत होगा, यानी जो कार्य है जो बहुत जल्दी हो जाएगा। 11 आता है भाग शेष फल, और 2 आता है तो कार्य होने में संदेह है, कार्य होगा कि नहीं है होगा इसके बारे में संदेह होता है। और 4, 5, 8 और 10 भागफल शेष आता है, 108 संख्या के बीच में जो भागफल 4, 5, 8 और 10 आता है तो उसका कार्य नहीं होगा। तो यही शेष फल आता है और इसी के अनुसार ज्योतिष शास्त्री उत्तरदाता अपने प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर दें। हमारे मित्रगण दर्शकगण इसे देखकर आप भी जानकारी होकर कार्य को करें और लोगों को बताएं। मेरा यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से है मैंने यह ज्योतिष का जो विशेष स्थान सगुण का रखता है मैं बताया, ताकि सब लोग जानें, सब लोग का कार्य सफलीभूत हो। तब तक के लिए इतना ही वीडियो। ओम हर हर महादेव।